अच्छा ठीक है, तो आज आपकी सब्जी से नमी बैठे हैं, खाना खा रहे हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल रात को दोस्तों जो आप लोग देखे थे कि आर्यन भाई के घर पे मैं रुक गया था, और अभी यहाँ पे उठ के सुबह सुबह ब्रश को जगह पे दतमन तोड़ लिए हैं उधर, फुल देसी वाला। हम लोग गाँव का स्टाइल से जब कहीं नहीं मिलता है ब्रश वगैरह, तो यहीं से ब्रश कर लेते हैं, और अभी चलते हैं आर्यन भाई के घर पे। फिलहाल इसको मुंह वगैरह धोते हैं। तो अभी इधर आए हैं दोस्तों दतमन वगैरह करते करते, इधर गाय वगैरह भी है। आर्यन बोला चलो दिखाते हैं कुछ। उधर डंपिंग पहाड़ वगैरह जो है ना, वो नेचुरल पहाड़ नहीं है, वो क्या बोलता है उसको, मतलब खदान वगैरह जो होता है ना, प्रोजेक्ट से जो कोयला निकालता है उसका जो वेस्टेज निकलता है, वो मटेरियल पार्ट को इधर डाला गया है। तभी वो गया है, बगल में कोई दोस्त है उसका घर में गया है, तो बोला कि धर्म तुम यहाँ पे बैठ कर, मैं आता हूँ उसे मिल के, तब तक मैं दतमन वगैरह कर लिया हूँ, वो आएगा, उसके बाद घर जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, और कुछ एडिटिंग वगैरह का मेरा काम है वो भी थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लगभग दोपहर को चलेंगे हम लोग हॉस्पिटल भाभी सबसे मिलने के लिए, और न्यू बेबी जो हमारे घर पे न्यू मेहमान आए हैं उनसे भी मिलना है। तो अभी चलिए वहाँ से, फिलहाल चलते हैं घर पे। आर्यन के घर में कुछ पहले खाते होते हैं, काहे कि इधर ब्रश वगैरह कर लिए हैं दतमन वगैरह। इधर का व्यू तो अच्छा खासा लग रहा है, इधर से नहीं लग रहा कि भाई मैं सिटी में आ गया हूँ, गाँव में ही जैसा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल अंदर जाते हैं, एडिटिंग का थोड़ा सा जो काम है उसको भी कर लेता हूँ। तो अभी उधर बाहर से मुंह वगैरह धो के आ गए, और इधर बैठ गए हैं दोस्तों लैपटॉप में एडिट करने के लिए, और उधर से आर्यन भी बैठ गया अपने मोबाइल पे एडिट करने के लिए। अभी हम लोग ब्लॉग एडिटिंग वो उधर कर रहा है, देख लो भाई जूम करके दिखा, देखा मम्मी के साथ जो ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग कर रहे हैं, प्रैंक मम्मी के साथ कर रहा है, पूरा गर्दा उड़ा दिया लड़का ब्लॉग में। और मैं भी इधर क्लाइंट का जो है वो एडिट कर रहा हूँ, क्या है कि भाई उसको भी बोले थे कि वीडियो दे देंगे बना के जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग किए थे, लेकिन क्या बताएं कि अभी इधर इतना ज्यादा हो गया है ना, क्या बोलता है काम वगैरह, हम खुद फुर्सत नहीं है, क्या करें। तो चलो फिलहाल इधर से इनका एडिटिंग वगैरह करते हैं, बाकी बात हॉस्पिटल कब तक जाएंगे वो भी पता नहीं है, फिलहाल अभी यहीं पे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक इसका पूरा फुल एडिटिंग ना कर लूँ तब तक नहीं जाएंगे, क्या आर्यन? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एडिटिंग करके पूरा यहाँ का काम कम्प्लीट करके फ्रेश होके चलते, क्या है ना? तो चलिए अभी पूरा फ्रेश होने के बाद चलेंगे। अब जाके दोस्तों हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे हम लोग अंदर आए तो पता चल रहा है कि अभी डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पीछे से सपोर्ट भी इस तरह रखिए। इधर से तो अंदर आके बैठ गए, लेकिन बाबू को अभी उधर डॉक्टर ले गए हैं, और इधर अभी भाभी को खाना वाना खिला रहे थे, जब तक बाबू आते तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाबू ए पुच्ची पुच्ची पुच्ची, इधर देखो इधर इधर बोल, चाचू आ गया, देखो 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 इधर बाबू बाबू। मुकान सूख गया अंदर में, भूख लग गया भाई, भूख लग गया, खाए पी भी नहीं किया है, तुम बोलते रहे खा पी लो, सुबह बोले खा लो, बोले नहीं खाएंगे, एनर्जी फुल है मेरे पास। तो चलिए अभी दोस्तों मेरा एक दोस्त आ चुके हैं, तभी जा रहे हैं हम यहाँ से बलियापुर, फिलहाल उससे मिल लेते हैं, फिलहाल उसका काम है, उनको कुछ पर्सनल डाटा देना है, मतलब लैपटॉप का, आप लोग मत समझ लेना। तो चलिए फिलहाल बलियापुर चलते हैं। तो अभी आर्यन का घर आए थे, और इधर से देख लो भाई बैग को भी हम टांग लिए, और इधर से फिर जा रहे हैं। अभी आंटी बोल रही खाने के लिए, लेकिन खाने का टाइम नहीं बचा, लेकिन ये खाना उधार रहा बाबू, याद रखना। नहीं अभी नहीं, हमको लेट हो रहा है कि वहाँ पे भी एक दोस्त इंतजार करा ना बलियापुर में। इधर से अपना अपाची गाड़ी को लगा दिए, तो चलते भाई। हाँ, हाँ। शाम तक तुमसे फिर मिलते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो उधर से दोस्तों अभी आ गए हैं सुंदरा भाई के पास, तो कितने देर लेट कर लिए तोरा? ज्यादा ना, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर लेट करा दे लियो। और अभी इनको लेके फिर से जा रहे हैं, और मेरा चलते गाड़ी भी उधर लगा के रख दिए हैं, इधर आके बैठ के इधर भेड़ बकरी पूरा नेचुरल नेचुरल गाँव वाला दोस्तों। तो अभी चलिए यहाँ से फिर हम जाएंगे अपना घर, काहे की बहुत जोर से हमको भूख लगा है, काहे की दादा खाल चाल पूछ लेना हो, हम सोच लियो कि लाइन के रख ले तो कुछ खा वाला की। तो चलिए दोस्तों अभी जा रहे हैं घर अपना, और वहाँ पे कुछ खाना पीना खाते हैं। अब जाके दोस्तों घर पे पहुँच गए, और काफी ज्यादा थक गए, और इतना ज्यादा भूख लग गया क्या बताएं। फिलहाल इधर से आ गया पानी, पानी वगैरह पी लेते, बाबू के लिए ले आए हैं फल वगैरह, और अभी चलते हैं फिलहाल कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आराम करें, क्या है कि बहुत ही ज्यादा थक गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद दोस्तों सभी को पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इधर उधर भागदौड़ की जिंदगी पूरा एकदम थक ही जाते हैं। तो फिलहाल अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तो चलिए फिलहाल अभी खाना वाना खा लेते हैं, काहे कि काफ़ी तेज़ भूख लग गया है। चलिए मैं खाना वाना खा लेता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग भी नहीं खाएं तो खा लीजिए। तो खाना पीना खा लिए दोस्तों, और इधर से अभी अपने बेड पर आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा फ्रेश वगैरह कर लेता हूँ, इसको काहे कि पूरा बाबू लोग यहाँ पे पढ़ाई वगैरह किया ना, पूरा गंदा वगैरह कर लिया, देखता जैसा जहीं पढ़ेगा ये लोग वहीं पर सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे मैं फिलहाल आराम वगैरह कर लेता हूँ, क्या कि काफी ज्यादा मैं थक गया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, मिलता हूँ अगले दिन अगले एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।